जी नाज़रीन, इस वक्त हम जलसा गाह में मौजूद हैं और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि बुज़ुर्ग मौजूद है जो कि पी सी एस आई आर से यहाँ चल के आए हैं इमरान खान साहब की मोहब्बत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना जी थोड़ा? मेरा नाम है डॉक्टर मुजफ्फर हफीज अहमद। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि आप पी सी एस आई आर से यहाँ पे चल के आए हैं खान साहब की मोहब्बत में, इतना जश्न व जज्बा कहाँ से आते हैं? बात यह है कि जब 46 में इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान बनने का, मैं उस वक्त 6 माह में पढ़ता था, मैंने वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया। अब जब मुल्क तबाही के किनारे खड़ा है, मैं घर नहीं बैठ सकता। बस अक्सर ये कहा जाता है कि खान साहब के साथ जो नौजवानों की है, लेकिन बुजुर्ग जो है वो खान साहब को पसंद नहीं करते। आपने साबित कर दिया कि जो बुजुर्ग भी खान साहब को पसंद करते हैं। अगर मुझे अल्लाह मियां 10 साल और उम्र दे तो मैं 10 साल के बाद भी इंशाअल्लाह। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो है ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, 17 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे, आपको लगता है कि तख्ते लाहौर किसका है? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का और फिर इमरान खान का, अल्लाह के बाद इमरान खान। आखिर में अगर इमरान खान साहब आपको देख रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहिए उनको? मैं उनकी सेहत के लिए और जिंदगी के लिए दुआ करता हूं, बस और कुछ नहीं।